वेलकम स्टूडेंट्स टू केशव बत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो देखिए इतना तो ऑब्वियस है कि रेशियो में क्या आएगा, चेंज आएगा। रेशियो में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो आज हमने वही सीखना है कि एक नया पार्टनर आ रहा है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में तो कैसे नया रेशियो निकाले और कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करे, आज हमने वो सीखना है। तो स्टूडेंट्स चार केसेस ही पॉसिबल है और उन चारों केसेस को हम बहुत ही डीपली सीखेंगे। ओके, कि कैसे चार चार कौन कौन से केस हो सकते हैं चार और कैसे कैसे उसमें नई रेशियो निकालनी है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स केस वन क्या लिया है मैंने कि ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 में। ओके, एक नया पार्टनर आ रहा है सी कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ओके, अब बताना है जी नई रेशियो क्या होगी इन पार्टनर्स की। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यहाँ पे दो तीन चीजें क्लियर करनी है। पहली बात तो टोटल शेयर ऑलवेज कितना होता है, टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। कैसे होता है, देखिए ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 3/5, बी का कितना है 2/5, दोनों को एड कर दीजिए तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो स्टूडेंट इतना ध्यान रखिए कि टोटल शेयर ऑलवेज कितना होता है, 1। ओके, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर सी नया पार्टनर आ रहा है और कह रहे हैं सी को कितना शेयर देना है, 1/5। हमें यह नहीं बता रखा कि ए कितना दे रहा है या बी कितना दे रहा है, हमें यह नहीं पता। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल शेयर हमें पता है कितना है, टोटल शेयर है 1। ओके, टोटल शेयर कितना है, 1। तो हम टोटल शेयर में से किसको दे देंगे, पहले दे देंगे सी को। टोटल शेयर में से किसको दे देंगे, पहले सी को। ओके, तो सी का शेयर कितना हो गया, देखिए सी का शेयर हो गया, सी शेयर इज इक्वल टू 1/5, सी का शेयर कितना है 1/5, देन रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, जी सी को देने के बाद कितना बच गया, देखिए टोटल शेयर 1 था, 1 में से 1/5 दे दिया किसको, सी को। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 5, 5-1 ऊपर आ गया 4, तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना है 4/5, कितना हमें पता लग गया कि टोटल हिस्सा 1 था, 1 में से हमने 1/5 किसको दे दिया, सी को दे दिया, बच गया कितना 4/5। अब ये जो बचा हुआ पैसा है, या पैसा कह लीजिए या शेयर कह लीजिए, किसका है, ए और बी का, जी ये बटना है ए और बी में बचे हुए पार्टनर्स में। ओके, अब ये कैसे बांटे, जी ऐसा करो कुछ नहीं कह रखा तो इस 4/5 को जो ये बचा हुआ शेयर है ए और बी का, इसको बांट दो किसमें, इनके ओल्ड रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। अरे स्टूडेंट्स कैसे बांटते हैं, देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास 500 रुपए है, मान लीजिए हमारे पास 500 रुपए है, हमें उसको 3:2 में बांटना है, 500 रुपए है उसको 3:2 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, ये 500 का हम करेंगे 3/5 और 500 का करेंगे 2/5 ऐसे। ओके, तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे 500 रुपए की जगह क्या है 4/5, तो 4/5 को हमने किसमें बांटना है, जिसको बांटना है हमें 3:2 में। ओके, तो 4/5 का 3/5 किसको मिल जाएगा, ए को, और 4/5 का 2/5 किसको मिल जाएगा, बी को। आई थिंक रीजन समझ आ गया होगा कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम ऐसे ही किसी चीज को रेशियो में बांटते हैं। तो 4/5 शेयर हमने ए और बी को बांटना है उनकी रेशियो में, तो कैसे बांटेंगे, मल्टीप्लाई करके। ओके, ए को कितना मिल गया 12/25, बी का कितना आ गया 8/25। ओके, तो फ्रेंड्स ये आ गए हमारे पैसे, अब तीनों का रेशियो देखते हैं क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया कि ए को कितने मिले, ए को मिला 12/25, बी को 8/25, और सी जो आया था उसको हमने कितना दिया, 1/5 दिया, कितना दिया 1/5। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां से देखिए आप एलसीएम सेम कर लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 25 तीनों का। ओके, यहां 12 ही रह गया, यहां रह गया 8 और यहां पर नीचे 5 है, तो 5 5 25, तो ये आ गया 5। जी आ गई हमारी नई रेशियो क्या, 12:8:5। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, चेक कर लेना कि ऊपर और नीचे टोटल सेम आना चाहिए, ऊपर और नीचे टोटल सेम आना चाहिए। ओके, तो ये आ गई हमारी क्या, नई रेशियो, देख सकते हैं 12, 8, 20 और 25, और नीचे भी क्या था 25, तो ये आ गई हमारी क्या, नई रेशियो, क्या आ गई, नई रेशियो। ये था हमारा केस वन, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला है। ओके, अब यहां से अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है स्टूडेंट्स, वो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला पता है, क्या पता है सैक्रिफाइसिंग का
फॉर्मूला जो हमने अभी चैप्टर 2 में डिस्कस किया था। ओके तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कैसे, देखिए अगर ए ने कितना सैक्रिफाइस किया वो निकालते हैं, सैक्रिफाइस ऑफ ए, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है ए का, जी ए का ओल्ड है 3/5, ए का पहले शेयर कितना था 3/5। ओके नया शेयर कितना है ए का, नया है जी 12/25, 12/ इन सबका टोटल। ओके तो ये यहां से क्या आ जाएगा, यहां से ए का सैक्रिफाइस आ जाएगा, देखते हैं कितना आता है, 15-12=3/25। बी का देखते हैं जी, बी का पहले था 2/5 और अब कितना है, अब है 8/25। ओके एलसीएम लेते हैं 25, अगेन ऊपर कितना आ गया 10-8, तो ए का कितना आ गया 2/25। ओके अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाले ए और बी का, तो देखिए 3/25 रेशियो 2/25, तो रेशो क्या आ गया, कि रेशो आ गया 3:2 किसका, ए और बी का। तो ये आ गया हमारा सैक्रिफाइस रेशो, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, हमारे पास ओल्ड रेशो भी है न्यू रेशो भी है, तो हमने क्या निकाल लिया, सैक्रिफाइस रेशो निकाल लिया। ओके तो स्टूडेंट ये था हमारा केस वन, आप नोट कर लेना ताकि आपको इनके ध्यान रखना, इन चार जो हमें केसेस सिखाऊंगा उनके नोट्स अच्छे से बना लेना, पूरे चैप्टर में कहीं भी यूज हो सकते हैं। ओके तो बहुत ध्यान से इनका नोट्स में आना और अच्छे से इन्हें कर लेना। अब आते हैं केस टू पे, वो क्या है जी, केस टू में भी ए और बी पार्टनर से 3:2 में सी आ रहा है 1/5 के लिए, लेकिन अब वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, अब वो अपना हिस्सा ले रहा है ए और बी से 2:1 में, किसमें 2:1 में। अब फ्रेंड यहां पे ना मैं साथ में एक फिगर्स में एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके देखिए ए और बी 3:2 में थे, मैंने ले लिया 300 रुपए थे ए के पास और बी के पास से 200 रुपए। ओके सी आ रहा है मान लो 50 रुपए के लिए, सी आ रहा है कितने रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, मैं 60 लेता हूं ताकि ये कट जाए अच्छे से, सी आ रहा है कितने 60 रुपए के लिए। ओके और वो कैसे ले रहा है ए और बी से, ए और बी से ले रहा है वो 2:1 में, कैसे 2:1 में, तो 60 रुपए 2:1 में कैसे बांटोगे आप, ये ऐसा करोगे कैसे निकालोगे कि ए से कितना लेगा जी 60 का 2/3 करोगे। ओके कितना आ गया 40 रुपीज, और ऐसे ही 60 का क्या करोगे 1/3, वो कितना आ गया 20 रुपीज, ये इतना बदला गया, ए से लेगा 40 रुपए, बी से लेगा 20 रुपए। ओके यहां पर भी ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम, देखिए सी को कितना देना है 1/5। ओके तो 1/5 किसके बराबर है यहाँ 60 के, क्योंकि यहां 1/5 देना था, वहां कितना देना था 60। ओके तो 1/5 कैसे देना है जी 2:1 में देना है, तो हमने वहां कैसे निकाला, हमने 60 का 2/3 ए से लिया, 60 का 1/3 बी से लिया, यहां पे 1/5 क्या है 60, तो इसका 2/3 ए देगा और 1/5 का ही 1/3 कौन देगा बी देगा। ओके तो देखिए ए ने कितना देना है 2/15 और बी ने देना है 1/15, इतनी चीज क्लियर। ओके अब पहले न्यूमेरिकल पोर्शन में निकालते हैं कि ए के पास कितना बचा, देखिए ए के पास कितने रुपए थे 300 रुपए थे। ओके उसने कितने रुपए दे दिए, उसने 40 रुपए दे दिए सी को, तो ए के पास कितना बचा 260। ओके तो ये आ गया ए का नया हिस्सा, अब जो बचा बी का देखते हैं, बी के पास थे कितने 200 रुपए, उसने 20 रुपए दे दिए, बी के पास बचे कितने 180। ओके और सी के पास कितने हैं जी, सी को कितने मिले हैं 60, ये आ गया इनका नया शेयर। अब यही स्टूडेंट्स अकाउंटिंग लैंग्वेज में बिल्कुल इजी, देखिए बिल्कुल सेम, ए के पास पहले 300 रुपए थे, उसने 40 दे दिए वो हटा दिए, तो आ गया हमारा नया रेशियो। ओके यहां ए के पास पहले कितने थे जी, ए के पास पहले थे कितने 3/5, ए के पास पहले कितने थे 3/5, उसने सी को कितने दे दिए, उसने सी को दे दिए 2/15 दे दिए, कितने दे दिए 2/15 दे दिए, तो जो बच गया वो ए का नया हिस्सा है, कितना बच गया, ऐसा करिए एलसीएम ले लीजिए 9-2 कितना बच गया 7/15। ओके ये बच गया ए का नया हिस्सा, ऐसे ही बी का निकालते हैं, बी के पास पहले कितने रुपए थे जी, बी के पास पहले थे 2/5, उसने कितने दे दिए 1/15 दे दिए, अगेन एलसीएम लो 15 एलसीएम आ गया, 6-1 कितना आ गया 5/15, ये आ गया किसका बी का, और सी का हमें पता है जी, सी को तो मिले ही कितने हैं, सी को मिले हैं 1/5, तो फ्रेंड्स ये आ गया इनका क्या
नया शेयर, बिल्कुल सेम कैसे, जैसे मैंने वहां न्यूमेरिकल में लिया है वैसे ही मैंने यहां क्या निकाल दिया, इनका ये नया शेयर तीनों का निकाल दिया। ओके, अब इसको एग्रीगेट कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, कैसे होगा देखिए, मैं यहां पर आपके लिए इसको हटा रहा हूं, या मैं ऊपर से ये हटा रहा हूं और यहां सम अप कर रहा हूं इसको, कैसे, जिस 7/15 रेशो 5/15 बी का आया और 1/5 किसका आया, सी का। एलसीएम ले लीजिए 15, ऊपर कितना आ गया 7:5:3। तो देखिए ऊपर भी 15 है नीचे भी 15 है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, और ये आ गया हमारा 7:5:3, क्या आ गया, ये आ गया हमारा नया रेशियो, क्या आ गया, नया रेशियो। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें दूसरा केस भी अच्छे से आ गया कि कैसे निकालना है हमने। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, देखिए अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, जो मैंने ये एग्जांपल लिया है, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया जी, ए ने 40 रुपए दिए और बी ने दिए कितने, 20 रुपए, यही तो उनका सैक्रिफाइस है, जो हम किसी को दे रहे हैं वो हमारा क्या है, सैक्रिफाइस। ओके, यहां कितना सैक्रिफाइस है जी, यहां ए ने किया 2/15, बी ने किया 1/15, तो सैक्रिफाइस रेशियो तो हमारा निकल ही आया क्या, 2/15 रेशियो 1/15 मतलब 2:1 हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये था हमारा केस 2। अब स्टूडेंट्स देखते हैं केस 3 और 4, वो देखते हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स केस 3 और केस 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, जो मैंने केस 2 में बताया है कि ए और बी पार्टनर्स से सी आ रहा है और सी अपना हिस्सा 2:1 में ले रहा है। ओके, ए और बी से, अगर उस केस में आ जाए सी अपना हिस्सा इक्वली ले रहा है ए और बी से, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इक्वली का मतलब है 1:1 लेना, जहां मैंने 2:1 लिया है वहां पे 1:1 ले लेना। ओके, अब आते हैं थर्ड केस पे कि ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, सी 1/5 के लिए आ रहा है अगेन, जो कि कैसे ले रहा है जी, 2/25 ले रहा है ए से और 3/25 किससे ले रहा है, बी से। ओके, अब फ्रेंड्स इसी को न्यूमेरिकली करते हैं, ए भी है 300 और 200 अगेन। ओके, सी आ रहा है अगेन 60 रुपए के लिए, ले लेता हूं भाई, ठीक है, सी आ रहा है 60 रुपए के लिए, जिसमें से क्या हो रहा है जी, अगर मैं कह दूं कि 40 वो ए से ले रहा है और 20 वो बी से ले रहा है, अगर मैं सीधा दे दूं, देखिए समझिए ये भी वही दे रखा है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक और की पॉइंट बता रहा हूं, जब भी मैं की पॉइंट कहूं तो उसको नोट कर लीजिएगा ऑलवेज, ओके, बहुत काम आएगा। और एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो मैं रेशियो करवा रहा हूं इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप पहली बार में बहुत अच्छे से समझ लेना, आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़े दोबारा देख लेना, लेकिन जो चीज ना समझ आए तो आप कमेंट भी कर देना, मैं आपको दोबारा उस तरीके को बहुत अच्छे से समझा दूंगा उस केस को। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए मैं कह रहा हूं यहां पर, देखिए ए ने इतना दिया और बी ने इतना, आप पता क्या कीजिए, जब भी ऐसा हो ना कि रेशियो गिवन ना हो, ये गिवन हो कि 1/10 ए दे रहा है 1/5 बी दे रहा है, ऐसा कुछ गिवन हो, तो एक बार क्या कीजिएगा, इन दोनों चीजों को ऐड करके देख लीजिएगा कि जो ए दे रहा है और जो बी दे रहा है, देखिए कितना आया जी, 5/25 मतलब 1/5, बस ऐड करके इतना चेक करना है कि क्या सी का हिस्सा बन गया या नहीं, अगर सी का हिस्सा बन गया तो जी कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहां भी क्या है, इन दोनों को ऐड करके देखिए, 40+20 कितना बन रहा है, 60, और उतना ही तो क्या देना है, हमने सी को देना है, उतना ही तो हमने सी को देना है। तो देखिए यहां पर नया शेयर कैसे निकालोगे कि 300 में से 40 ए ने दे दिया, इसका बच गया 260, और 200 में से 20 किसने दे दिया, बी ने, कितना बच गया 180। ओके, सेम ऐसे बस यहां पे ए के पास पहले कितना था 3/5, ए के पास पहले कितना था 3/5, ओके, उसने कितना दे दिया, उसने दे दिया 2/25, कितना दे दिया 2/25। ओके, तो ए के पास कितना बच गया, ए के पास नया शेयर बच गया वो है इसका 15-2 13/25, कितना 13/25। ओके, बी का देखते हैं जी, बी के पास पहले कितना था 2/5, बी ने कितना दे दिया 3/25 दे दिया, तो बी के पास कितना बचा जी, 25 एलसीएम अगेन 10-3 कितना आ गया जी, आ गया 7/25। ओके, और देखिए सी को यहां कितना मिला, सी को मिला कितना 60 रुपए, और यहां सी को कितना मिला है जी, यहां सी को मिला है कितना
ओके, जितना एक्यूरेसी आया है उसको उतना मिल गया। एग्रीगेट करते हैं इसका, सम अप करते हैं, देखिए रेशियो क्या आ जाएगी, नई रेशियो तीनों के रेशियो में लिख दीजिए, 13/25 रेशियो 7/25 रेशियो 1/5 एलसीएम क्या आ गया 25। ओके एलसीएम क्या आ गया हमारा 25। क्या कीजिए, ऊपर 13 फर्स्ट का 7 और ये क्या आ गया 5। ओके ये आ गई हमारी नई रेशियो, ऐड करके देख लीजिए 13+7 20+5 25। ओके तो फ्रेंड्स ये आ गई हमारी नई रेशियो एबीसी की। ओके अब स्टूडेंट इसमें क्या एक चीज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे वो देखिए। जी सैक्रिफाइस तो ऑलरेडी गिवन था कि ए ने 40 सैक्रिफाइस किया, बी ने 20। यहां भी गिवन है ए ने इतना सैक्रिफाइस किया, बी ने इतना, तो इन दोनों की रेशियो ले लीजिए क्या आ गई। जी ऐसा कीजिए 2/25 रेशियो 3/25 तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गई 2:3 आ गई। ओके और अगर आपने निकाल के दिखानी है पूरी तो वही फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू का, तब भी क्या आएगी सेम ही आएगी। ओके तो ओल्ड माइनस न्यू करके अगर पूरा आपने निकाल के दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक थर्ड केस भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आते हैं स्टूडेंट सबसे लास्ट केस पे जो है हमारा फोर्थ केस, जिसकी पहचान क्या है। जी दो पहचान है, पहली नए पार्टनर का जो शेयर है, नए पार्टनर का जो शेयर है वो गिवन नहीं होगा कि वो कितने हिस्से के लिए आया है। ओके और दूसरी पहचान है इसकी सबसे टॉप मोस्ट ऑफ हिज शेयर, क्या है ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है अपने हिस्से का, अपने हिस्से का। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं पहले ताकि हम इसको समझ लें। ए 300 बी 200 सी आ रहा है, कुछ नहीं दे रखा। ओके अब इसी का देखते हैं, देखिए ए क्या कर रहा है, ए अपने हिस्से का 1/5 सी को दे रहा है, ए अपने हिस्से का 1/5 सी को दे रहा है। तो ए का हिस्सा कितना है 300, उसका 1/5 कितना हो गया, ये उसका 1/5 हो गया 60 रुपए। ओके यहां भी निकालते हैं ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 3/5 तो उसके हिस्से का कितना 1/5, मतलब ए कितना दे रहा है 3/25 दे रहा है। इतनी चीज क्लियर। ओके देखिए बी कितना दे रहा है, बी दे रहा है 200 का अपने हिस्से का 1/4 अपने हिस्से का। ओके अपने हिस्से का 1/4 मतलब कितने रुपए 50 रुपए। ओके यहां भी बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/4, बी का हिस्सा कितना है 2/5 उसका 1/4 कितना हो गया 2/20 दे रहा है। ओके अब हमें पता लग गया ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, ये दोनों तो आगे इनके सैक्रिफाइसिंग। नया हिस्सा कैसे निकालोगे, जी ए के पास से 300 रुपए उसने 60 दे दिए तो बच गए 240, बी के पास कितने थे 200 उसने 50 दे दिए तो बच गए 150। इतना क्लियर। यहां भी निकालते हैं, देखिए ए के पास कितना था पहले, ए के पास था 3/5 कितना था 3/5। ओके तो 3/5 में से ए ने कितना दे दिया, ए ने 3/25 दे दिया, 3/25 दे दिया, बचा कितना अगेन एलसीएम ले लो जी, एलसीएम कितना आ गया 25। ओके ऊपर कितना आ गया 15-3 तो ये आ गया 12/25 ए का बचा हुआ हिस्सा जो नया हिस्सा है। ओके ऐसे ही बी का निकालो, बी के पास पहले कितने थे, बी के पास पहले थे 2/5, बी ने कितना दे दिए 2/20 दे दिए, एलसीएम क्या आया 20, 8-2 तो ये आ गया 6/20। ये तो आ गया ए और बी का नया हिस्सा। ये सी का हिस्सा कैसे निकाले वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो ए ने दिया और जो बी ने दिया ये दोनों मिला के मिले किसको, सी को मिले, तो सी को यहां कितने मिले 60 ए से और 50 बी से कितना हो गया 110 रुपए सी को मिले। सिंपल यहां पे भी यही, जो ए ने दिया, ए ने कितना दिया 3/25, बी ने कितना दिया 2/20 तो अगर हम इन दोनों को क्या कर दे एड कर दे तो ये क्या आ जाएगा सी का हिस्सा आ जाएगा। ऐसे कितना आ गया, एलसीएम आ गया 100 तो कितना आ गया दिए 12+10 कितना आ गया 22/100 तो ये आ गया सी का हिस्सा। अब ये सम अप करते हैं, नई रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ओके इसे रख कर रहा हूं, आपको यहां बताता हूं मैं नई रेशियो कैसे निकालेंगे। सम अप करते हैं, ए की कितनी आई, ए की आ गई 12/25
बी क्या आ गई 6/20, सी क्या आई 22/100, तीनों का एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 100। ओके तो ये 4 and 12 = 48, ओके 30 और 22। देखिए स्टूडेंट्स ऊपर भी 100 आ रहा है, नीचे भी 100 आ रहा है, ओके तो हमारा ये रेशो बिल्कुल ठीक है। और अगर चाहे तो आप तीनों देखिए, तीनों दो से डिवाइड हो रहे हैं, तो चाहे तो ये कर सकते हैं, आप रेशो को ये भी लिख सकते हैं। ओके तो ये हो गई हमारी नई रेशो, क्या हो गई नई रेशो। और सैक्रिफाइसिंग अगेन स्टूडेंट्स देखिए इन ये दोनों ए, ये ए ने सैक्रिफाइस किया था, ये बी ने, ठीक है तो इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, क्या 3/25 और 2/20, इसका रेशियो निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आया 100, ये आ गया 12:10। ओके अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, जी 12:10 आपका सैक्रिफाइसिंग आ गया, या फिर आप इसको दो से काट के लिख सकते हैं 6:5, ये आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको चारों केस क्लियर हो गए होंगे, आप इन चारों केसेस के नोट्स बना लो, और अगर दोबारा कह रहा हूं कोई भी केस समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखना, आपको वो केस स्पेशली समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले। ओके तो ये चार केस आप अच्छे से नोट कर लेना, आज के लिए इतना ही, आपके स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे या उससे ज्यादा ही हो जाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर को आगे करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि यहां पर सब कुछ कंसेप्ट से होता है, ओनली कंसेप्ट इज किंग, कंसेप्ट ही किंग है, कंसेप्ट ही राजा है। ओके सब कुछ कंसेप्चुअल होगा, किसी हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।